नमस्कार, न्यूज उत्तर प्रदेश के पॉडकास्ट खबर दिन भर में आपका स्वागत है। तारीख 3 अगस्त, दिन मंगलवार, मैं वसुंधरा। आज के मुख्य समाचार। गरीब अन्न योजना पर बोले पीएम मोदी, फर्जी लाभार्थियों को हटाया और लाखों परिवारों को मुफ्त राशन दिया। करोड़ों फर्जी लाभार्थियों को सिस्टम से हटाया, राशन कार्ड को आधार से लिंक किया। सीएम योगी ने मिशन रोजगार के तहत बांटे 50 डिप्टी कलेक्टरों को नियुक्ति पत्र। मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, पहले यूपी में सरकारी नौकरियों की प्रक्रिया कलंकित थी। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों की प्रक्रिया 2017 के पहले कैसे कलंकित हो चुकी थी। सीबीएसई बोर्ड के 10वीं के नतीजे घोषित। नतीजों में आगे निकला साउथ रीजन, दिल्ली नोएडा लिस्ट में सबसे नीचे। बीजेपी सांसद ने किया अखिलेश पर पलटवार, कहा योगी को ठोकना आता है, बचकर रहें। उन्होंने कहा योगी को कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, उन्हें तो ठोकना आता है। शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का बयान, कहा मुहर्रम पर हुआ नुकसान तो मौलानाओं से कराई जाएगी भरपाई। मुहर्रम शुरू होने से पहले एक अति गोपनीय सरकारी पत्र को वायरल करके कुछ मुल्लाओं, कुछ संगठने दंगा भड़काने की कोशिश कर रही हैं। ये थे मुख्य समाचार, अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कहा कि केंद्र सरकार गरीबों के सशक्तिकरण को आज सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लाखों परिवारों को निशुल्क राशन दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये मुफ्त राशन वैश्विक महामारी के इस समय में गरीब की चिंता कम करता है और उनका विश्वास बढ़ाता है। करोड़ों फर्जी लाभार्थियों को सिस्टम से हटाया, राशन कार्ड को आधार से लिंक किया और सरकारी राशन की दुकानों में डिजिटल टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहित किया गया। आज परिणाम हमारे सामने हैं। भाइयों और बहनों, 100 साल की सबसे बड़ी विपत्ति सिर्फ भारत पर नहीं, पूरी दुनिया पर आई है, पूरी मानव जात पर आई है। आजीविका पर संकट आया, कोरोना लॉकडाउन के कारण काम धंधे बंद करने पड़े, लेकिन देश ने अपने नागरिकों को भूखा नहीं सोने दिया। दुर्भाग्य से दुनिया के कई देशों के लोगों पर आज संक्रमण के साथ साथ भूखमरी का भी भीषण संकट आ गया है, लेकिन भारत ने संक्रमण की आहट के पहले दिन से ही इस संकट को पहचाना और इस पर काम किया। इसलिए आज दुनिया भर में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की प्रशंसा हो रही है। बड़े बड़े एक्सपर्ट इस बात की तारीफ कर रहे हैं कि भारत अपने 80 करोड़ से अधिक लोगों को इस महामारी के दौरान मुफ्त अनाज उपलब्ध करा रहा है। सीएम योगी ने मिशन रोजगार के तहत आज 50 डिप्टी कलेक्टरों को नियुक्ति पत्र बांटे। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले सरकारी नौकरियों के लिए प्रक्रिया कलंकित हो चुकी थी। यूपी में भाई भतीजावाद उस समय चरम पर था, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता था, लेकिन पिछले 4 सालों में चयन प्रक्रिया पारदर्शी हुई है और भाई भतीजवाद को खत्म किया गया है। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों की प्रक्रिया 2017 के पहले कैसे कलंकित हो चुकी थी। भाई भतीजावाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार इस कदर पहुंच गया था कि माननीय न्यायालय को उन सभी प्रक्रियाओं की सीबीआई जांच करने के भी आदेश देने पड़े थे।
और उसमें बहुत सारी जांचें न्यायालय के आदेश पर सीबीआई जिसमें अभी भी जांच कर रही है। ये वास्तव में प्रदेश की युवाओं के जीवन के साथ, उनकी प्रतिभा के साथ न केवल खिलवाड़ था बल्कि उन्हें कुंठित करने के कुत्सित मंशा के तहत पिछली सरकारों के द्वारा की गई शरारत का भुक्तभोगी उत्तर प्रदेश का युवा होता था। सीबीएसई बोर्ड के 10वीं के रिजल्ट का इंतजार आज खत्म हो गया। बोर्ड ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्ट जारी कर दिए हैं। रीजन के लिहाज से सीबीएसई के 10वीं के नतीजों में सबसे ऊपर इस साल भी त्रिवेंद्रम रहा। वहीं इस साल 10वीं में कोई टॉपर या मैरिट नहीं बनाई गई है। रिजल्ट सीबीएसई की मूल्यांकन प्रणाली पर तैयार किया गया है। बता दें कि कोरोना के चलते इस साल सीबीएसई बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं नहीं हुई थी। इसके अलावा दिल्ली और नोएडा लिस्ट में सबसे नीचे नजर आए। इस साल त्रिवेंद्रम का 99.99% रिजल्ट रहा। वहीं जिन बच्चों ने एग्जाम्स के लिए मेहनत की थी उनके चेहरे पर थोड़ी मायूसी नजर आई। आज हमारा रिजल्ट आउट हो गया है लेकिन इतनी खुशी नहीं है मुझे, क्योंकि मार्क्स लास्ट एग्जाम के नंबर इवेल्यूएट करके दिए गए हैं और मेरिट भी नहीं बनी है। अगर एग्जाम देकर हमें मार्क्स मिलते तो मुझे बहुत खुशी होती, क्योंकि एग्जाम के लिए मैंने बहुत ही ज्यादा मेहनत की थी। लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि एग्जाम कैंसिल हो गए तो बहुत बुरा लगा, क्योंकि मुझे जितने मार्क्स मिले हैं मुझे उससे कई ज्यादा मार्क्स की उम्मीद थी। मुहर्रम से पहले डीजीपी का सरकारी पत्र वायरल होने और उस पर मचे बवाल पर अब शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी का भी बयान सामने आया है। वसीम रिजवी ने अति गोपनीय पत्र वायरल होने के मामले पर मौलानाओं को ही दोषी ठहराया है और दंगा भड़काने की साजिश करार दिया है। पुलिस मुखिया का अति गोपनीय पत्र वायरल होने के बाद से शिया मौलानाओं में भारी नाराजगी देखी जा रही है। मुहर्रम शुरू होने से पहले एक अति गोपनीय सरकारी पत्र को वायरल करके कुछ मुल्लाओं, कुछ संगठने दंगा भड़काने की कोशिश कर रही हैं। शिया समाज के जज्बातों को भड़काने की कोशिश करके कोई घटना घटित करवाना चाहती है ताकि उसकी जिम्मेदारी हुकूमत की बने। अगर के पूरे प्रदेश में कोई छोटी या बड़ी घटना घटती है तो उसकी जिम्मेदारी इन मुल्लाओं की तय करके और उस घटना में हुए नुकसान की भरपाई इन मुल्लाओं से करवानी चाहिए। सीएम योगी के लिए कुछ दिनों पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्नाव में कहा था कि योगी जी को कंप्यूटर चलाना नहीं आता, उन्हें ठोकना आता है। अखिलेश यादव के इस बयान पर पलटवार करते हुए अब बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने उन्नाव में ही एक कार्यक्रम के दौरान विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव से कह दो कि योगी जी को ठोकना आता है, जरा बच के रहें, कहीं उनका नंबर ना आ जाए। उन्होंने कहा योगी को कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, उन्हें तो ठोकना आता है। तो हम पत्रकारों से कहा अखिलेश को समझा दो, ठोकना आता है तो जरा बच के रहें, तुम्हारा नंबर ना आ जाए। तो आपको इतना बढ़िया मुख्यमंत्री मिला है, इतना बढ़िया प्रधानमंत्री मिला है और इतना बढ़िया आपको विधायक मिला है, और हम तो संत है, गाजर के संत, संत होते हैं ना, गाजर के संत मुझे अभी लोकसभा जाना है, अगली लगानी होती है, वोट पड़ता है, वोट डालना होता है।
हर रोज की तरह एक बार फिर आपके लिए लेकर आए हैं पहचानो कौन का सेगमेंट। इसमें हम आपको सुनाते हैं एक आवाज, वो आवाज एक राजनेता की या एक अभिनेता की होती है। आपको ये आवाज पहचाननी होती है और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना होता है कि ये आवाज किसकी है। तो सुनिए आज की आवाज और अपना सही जवाब लिख भेजिए कमेंट बॉक्स में। एक्टिंग करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम, बहुत मुश्किल। एक्टिंग करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम, बहुत मुश्किल। इस बुलेटिन में इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।